नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप तिवारी और आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। जी हां, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी, जो सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं हिंदुस्तान में। अर्जुन मुंडा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया में। धन्यवाद, नमस्कार आपको भी। तो जो चिंता आपकी है वो चिंता हमारी भी है। लॉकडाउन का इस समय हम पालन कर रहे हैं, आप भी पालन कर रहे हैं, लेकिन जो जनजातीय बंधु हैं, जो मंत्रालय आपके पास है, वो ऐसे मुश्किल हालात में रहते हैं कि उनको शायद बहुत ज़्यादा चिंता भी नहीं होगी कि कोरोना किस तरह से फैल रहा है, कहाँ कौन परेशान है, क्योंकि वो अपने जीवन में मस्त रहते हैं। लेकिन मैं आपसे एक मंत्री होने के नाते पूछता हूँ कि आप उस समाज के सबसे बड़े रहनुमा हैं इस वक्त केंद्र की सरकार में। राज्यों का अपना मसला है, उसको रहने दीजिए। क्या आप उन तक सारी व्यवस्थाएं कर पा रहे हैं राज्यों की मदद से? क्योंकि कई राज्य कहते हैं कि हमको कुछ मिल नहीं रहा है, मदद नहीं मिल रही, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले बात तो हम ये बता दें कि जो हमारे इस मंत्रालय का काम है और उस काम में सबसे अधिक फोकस जो है ट्राइबल्स, आदिवासियों के बीच में है। इस समय कोरोना वायरस के वजह से जो समस्या देश में पैदा हुई है वो एक बड़ा संकट है। पर मैं बता दूं कि ट्राइबल लाइफस्टाइल जो है वो अपने आप में सोशल डिस्टेंसिंग का है। गांव में दूर दूर घर बनाना, घर वैसे ही रहना, और संस्कार इस तरह का है कि वो किसी को नज़दीक या साथ में नहीं बैठते हैं, थोड़ी दूर दूर बैठते हैं। गांव की पंचायत भी दूर दूर बैठती है। तो इस तरीके से लाइफस्टाइल तो उस तरह का है, पर इस समय लॉकडाउन होने के कारण शहर के साथ साथ गाँव भी प्रभावित हुआ है। पर्याप्त मात्रा में भारत सरकार ने अनाज की व्यवस्था की है और सभी राज्य सरकारों को कहा है कि अनाज के वितरण में किसी तरह की कमी नहीं होना चाहिए, चाहे उसे उसके पास में कोई कार्ड हो ना हो। यदि सूचना ऐसा मिल रही है और उसमें गांव के सभी लोगों को जोड़ते हुए, जो ट्रेडिशनल हेडमैन है, इलेक्टेड वार्ड मेंबर है, मुखिया है, सबको जोड़ते हुए कि यह सूचना प्राप्त हो जाए कि गांव में कोई भी गरीब व्यक्ति जो अनाज के अभाव में न रहे, तो यह सुनिश्चित करने का काम सभी राज्यों में हो रहा है। कुछ जगहों में जहां सूचना मिलती है वहां पर राज्य सरकार को बताया जाता है। और लगातार इस समय भारत सरकार की ऐसी व्यवस्था है कि इंटरेक्शन लगातार सरकारों के साथ होता है, मंत्रियों के साथ होता है, पदाधिकारियों के साथ होता है, और अनौपचारिक ढंग से भी कई बातें इस तरह की सतह की मालूम हो जाती है और उसको ठीक किया करने की कोशिश की जाती है। तो ये भारत सरकार के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में राज्यों को राशि भी दी जा रही है, अनाज भी दिया जा रहा है, और एसेंशियल कमोडिटी जो भी आवश्यकता है उसके लिए लगातार गाइडलाइन जारी की जा रही है कि किस तरीके से राज्य में ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक हमारा मंत्रालय का काम है, हमारा मंत्रालय का काम अभी जैसे इस समय में हार्वेस्टिंग का टाइम है फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, चाहे वो महुआ हो, तेंदू पत्ता हो, या अन्य फल हो, या हनी जो बहुत बड़ी मात्रा में मधु का उत्पादन होता है, वैसे सारे चीज़ों के लिए हमने अभी कुछ दिन पहले MSP तय कर दिया है। और कोरोना वायरस के वजह से जो बाज़ार में कमियां आई है, उस कमियों को ध्यान में रखते हुए जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करते हैं, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस संग्रहण करते हैं और बाजार में बेचते हैं, उनको सही तरीके से उपाय मिले। और सभी राज्य सरकार मुख्यमंत्रियों को खास करके पत्र भी लिखा है, बातचीत भी हुई है, और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि अधिकतर राज्यों में इस समय माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्रय किया जा रहा है, सपोर्ट प्राइस दिया जा रहा है, और वहाँ से कोई भी कंप्लेन इस समय इस तरह की नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार मॉनिटर हो रहा है और सूचनाएं मिल रही हैं। जी, तो मुख्यमंत्री पूरा फोकस है कि हम ट्राइबल एरिया में ये जो इस समय का संकट है वो ना पहुंचे। कुछ गिने चुने क्षेत्रों में निश्चित रूप से पहुंची है, और जो शंका अभी है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसे आदिवासी वर्ग के लोग, हमारे भाई अन्य राज्यों में काम करने के लिए गए हैं। वही पूछ रहा हूँ मुंडा साहब, जो सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त यह है, देश भर में तमाम राज्यों से जिस तरह की तस्वीरें आई हैं वो आपको भी परेशान करती होंगी। आप मंत्री हैं केंद्र में, मोदी सरकार में मंत्री हैं, आप 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपको मैं ये पूछना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा जो मुश्किल झेली है
वो झेली है उन गरीब मजदूरों ने जो अपने राज्यों को छोड़ छोड़कर दूसरे राज्यों में काम करते थे। और मैं आपको बताऊं कि चाहे वो मध्य प्रदेश का हिस्सा हो, छत्तीसगढ़ हो, यूपी हो, झारखंड हो, ये वो हिंदी पट्टी के राज्य हैं जिनको लोग सामान्य तौर पर ये कहते हैं कि ये काऊ बेल्ट है, पिछड़ा इलाका है। और मुंबई से जिस तरह के अगर आप शिवसेना के मुखपत्र सामना को देखें, कल तक वो आपके पार्टनर रहे हैं, वो कहते हैं ये कचरा पॉलिटिक्स है, वोट बैंक है, और हमको या हमारे जैसे जो लोग हैं जो हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों से मुंबई जाते हैं, दिल्ली आते हैं, अगर ये मानसिकता होगी आपके हिंदुस्तान में कि वो कहेंगे कि वोट बैंक की कचरा पॉलिटिक्स है, यानी ये वो कचरा है जिसको मुख्यमंत्री लेने जाना चाहते हैं अपने राज्यों में। मैं आपसे केंद्र के एक मंत्री के तौर पर, आपसे मोदी सरकार के एक मंत्री के तौर पर ये पूछना चाहता हूं कि राज्यों के चाहे वो कोई भी दल हो, वो आपके विपक्षी भी हो, क्या उनकी इतनी हिमाकत होनी चाहिए कि वो हिंदुस्तान के उस श्रमवीर को जिसके बल पर ये मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं और सत्ता में आते हैं, वो आपको कचरे से तुलना करे अगर हिंदुस्तान के श्रमवीर की, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो एससी से हो, चाहे वो ओबीसी से हो, मोस्ट बैकवर्ड हो या किसी भी सामान्य वर्ग से आता हो, अगर उसकी परिस्थितियां उसको मजदूरी के लिए मजबूर करती हैं तो वो मजदूर है, मजबूर नहीं। क्योंकि ये जो शिवसेना की कचरा पॉलिटिक्स है, आप लोग खुलकर क्यों नहीं बोलते? कल तो आप साथ में थे। देखिए ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि इस समय तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा आलोचना करें, लेकिन ये जरूर बता दें कि जो भी जहाँ भी ये देश एक है, देश का किसी भी प्रदेश का व्यक्ति कहीं भी रोजगार के लिए जा सकता है, काम कर सकता है, और जहाँ वो रोजगार के लिए जा रहा है वहाँ वहाँ के रोजगार को बढ़ाता है, क्योंकि उसका मेहनत पसीना से वो स्टेट को प्रॉफिट होता है, वहाँ के इंडस्ट्री को प्रॉफिट होता है। तो ये कहना उचित नहीं है, इस तरह के बातों से हमें बचना चाहिए। अब इस तरह मुंडा साहब, मुंडा साहब आपकी सौम्यता की, आपकी सरलता की, आपकी मुस्कान की मैं तारीफ करता हूं, लेकिन मजदूरों को मजबूर बताने वालों को खुलकर जवाब देना होगा। उनको कचरा पॉलिटिक्स में मजा आ रहा है, वो हमको उत्तर भारतीयों को कचरा कहेंगे, हमारे मजदूरों को कचरा कहेंगे, और आप कहेंगे ये वक्त नहीं है। उनके पास पूरा वक्त है कचरा पॉलिटिक्स करने का। देखिए मैं फिर से कहूंगा कि ऐसे सरकारों को या ऐसे लोगों को सावधान रह करके ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो हमारे इस समय में समस्या उभरी है उसका समाधान क्या है, उसको हम कैसे रोक रहे हैं, उसको रोकने के लिए हमारे किस तरह का, हम नेगेटिव एनर्जी को ज्यादा करेंगे तो हमारा पॉजिटिव एनर्जी घटेगा और उससे हमें नुकसान होगा, हमारा सोचने की जो ताकत है वो कमी घटने लगेगी। इसलिए ऐसे चीजों पर नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ये करना चाहिए कि वे ठीक है, जिस क्षेत्र के भी लोग अगर आपके राज्य में आए या किसी भी राज्य में गए हैं तो उस राज्य में काम है, वहां पर लोगों की आवश्यकता है, तभी तो वहां पर गए हैं। तो ये कहना उचित नहीं है। और मैं दूसरी बात यह कहूंगा कि अभी डिफरेंट स्टेट से जो लौट करके आ रहे हैं, डिफरेंट राज्यों में सभी राज्यों के साथ यही कोशिश की जा रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन और जो प्रोटोकॉल है इस बीमारी से बचने का, उसका विशेष ध्यान रखें। लेकिन ये तो पालन नहीं हो रहा है मुंडा साहब, स्वीकार करिए, ये तो कहीं नहीं दिख रहा है मजदूरों के लिए जो मजबूर हैं उसमें तो कहीं नहीं दिख रहा। टिकट मिल नहीं रही है, वो टिकट खरीद रहे हैं, उसको पैसा देना पड़ रहा है, फिर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कहेंगे कि हम राज्य की अपनी इकाइयों से कहेंगे कि वो टिकट के पैसे दें, फिर आपके यहाँ से विरोध होगा, फिर झारखंड के मुख्यमंत्री कहेंगे हेमंत सोरेन साहब की हमको मदद नहीं मिल रही है, वो तो हम खुद ट्रेन भेज रहे हैं वहां से, आपके पड़ोसी राज्य में जो आपके बड़े भाई कहलाते हैं वहां से तेजस्वी यादव कहते हैं कि केंद्र सरकार मजाक कर रही है, एक तरफ कहते हैं कि हम ट्रेन चला रहे हैं, दूसरी तरफ पैसे मांगते हैं, और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि राज्य सरकारों को जमा करना पड़ेगा। तो आप जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्वारंटाइन का, आइसोलेशन का, फिजिकल डिस्टेंसिंग का, वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा मजदूरों में, वो तो बेचारे मजबूर हैं। देखिए ये जो आलोचना कर रहे हैं ना, ये खुद को पिंड छुड़ाने की तरफ बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से काम करने की आवश्यकता है। और ये इच्छा शक्ति राज्य सरकार को दिखाना चाहिए, जिस तरीके से भारत सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लॉकडाउन को लागू करते हुए पूरे देश के लोग, आज देश के लोगों में नाराजगी नहीं है इस बात को लेकर के लॉकडाउन क्यों हुआ है, उसमें खुशी है कि हमारी जान की हिफाजत करने की बात सोची जा रही है। पर राज्य अगर इस तरीके से कोई भी राज्य करता है तो मैं समझता हूं कि यह अपना पिंड छुड़ाने के लिए कर रहा है, अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है। राज्य सरकार एक
एक अलग पहचान है, अस्तित्व है कि राज्य को गवर्नेंस करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और राज्य में अगर वापस आ रहे हैं तो उनके राज्य में रहने वाले लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे परिवार हैं, उनके बारे में हमें सोचना हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से भारत सरकार सोच रही है, तो किसी राज्य का ये कहना या इस नाम से आलोचना करना, और जहां तक ट्रेन की बात है, ट्रेन कहीं पर भी इनडिसिप्लिन वे में पैसेंजर चढ़ने लगेंगे, इनडिसिप्लिन वे में क्वारंटाइन ये सोशल डिस्टेंस फॉलो नहीं होगा, इसलिए जरूरी है कि टिकट और वो सस्ती दर का टिकट हो, महंगी दर का टिकट हो, ये आपस में बात करके किया जा सकता है। ये जो रेट वहाँ का है उससे घटेगा बढ़ेगा, किस तरीके से करेंगे वो अलग विषय है, लेकिन ये तो जरूरी है कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, डेटा बेस होना चाहिए। डेटा बेस नहीं होगा तो ट्रेन में जाने वाले कौन कहाँ गए ये पता नहीं चलेगा, कहाँ के हैं वो पता नहीं चलेगा। तो यह सूचना जिस राज्य से आता मुंडा साहब, आपने कहा था कि अगर लॉकडाउन का पहले से नोटिस देते तो अराजकता फैल जाती, तो ये किसी अराजकता से कम है क्या? जब वो पैदल पैदल निकलेंगे, आधे तो कई लोग तो अपने घर नहीं पहुंच पाए। मैं नहीं कहूंगा कि आप जिम्मेदार उसके लिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने फैसला किया, हम उनके साथ हैं, लेकिन सवाल यह कि सरकारें क्या कर रही हैं। एक सरकार कहती है कि हमारे पास साधन नहीं है, आपके बड़े भाई जो पड़ोस में बैठे हैं, जो आपके साथ सत्ता में बने हुए हैं और आप सरकार में भागीदार हैं, बिहार तो कह रहे हैं हमारे पास व्यवस्था ही नहीं, हम कहां से लाएंगे, क्या करेंगे। तेजस्वी यादव सवाल उठाएंगे तो वो गलत हैं, अगर हेमंत सोरेन सवाल उठाएंगे तो वो गलत हैं। जरा आप सुन लीजिए हेमंत सोरेन क्या कह रहे थे, तेजस्वी यादव क्या कह रहे थे। पहले मैं हेमंत सोरेन जी को सुना देता हूं। हाँ बताइए मुख्यमंत्री जी। एक और बड़ी चुनौती जो उन राज्यों के सामने आ रही है जो बीजेपी शासित नहीं है, बीजेपी शासित राज्य तो राजनीतिक मजबूरी की वजह से आवाज नहीं उठा सकते, लेकिन कांग्रेस शासित राज्य हो या कांग्रेस के सहयोगी जो दलों के साथ जो मिलकर सरकार बनी है वो हो, या ऐसे हों जो गैर कांग्रेसी हैं, गैर बीजेपी हैं, उसमें बीजेडी भी है, उसमें बाकी दल भी आते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो आर्थिक संकट है, आर्थिक संकट गहरा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है जान है तो जहान है, लेकिन सवाल यह है कि आप लड़ेंगे कैसे कोरोना से। आपको फंड की जरूरत है, आपको सेंट्रल असिस्टेंस की जरूरत है, आपको मेडिकल रिलेटेड इक्विपमेंट चाहिए, आपको पीपीई किट्स चाहिए, आपको टेस्टिंग किट्स चाहिए। पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है या फिर सिर्फ गुहार लगाई जा रही है और सुनवाई कम है? देखिए तिवारी जी, इस विषय पर मैं यही कहूंगा कि झारखंड प्रदेश आदिवासी दलित बहुल राज्य है और ये ऐसे समूह है जो समूह आज से नहीं पता नहीं कि ये प्रताड़ित होते रहे हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, कई एक तरीके से। और आज इसकी शायद यही वजह है कि आज इन वर्गों को अपना पहचान बनाना भी एक बहुत चुनौती भरा है। और आज जो स्थिति है, ऐसे स्थिति में यहाँ पर जो हमारे लिए संसाधनों को लेकर आपको मालूम होगा कि हमारी अधिकतम डिपेंडेंसी भारत सरकार पर ही है, क्योंकि जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से राज्य सरकारों को संसाधन जुटाने का मतलब नहीं किया बराबर। अब तो लॉकडाउन में तो जीरो है, ये तो हमने अपने राज्य में व्यवस्थाएं प्रारंभ कर रखी है। और जहां तक दूसरे राज्यों से लाने की बात है, हम अब हमारे पदाधिकारी रेल के कर्मचारियों के साथ, वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है, जहां ट्रेनों की आवश्यकता पड़ रही है वहां जाएगी। तो आपने सुना मुंडा साहब कह रहे हैं कि हमारी डिपेंडेंसी तो केंद्र सरकार पर है, हम मजबूर हैं क्योंकि जीएसटी का हिस्सा कम होगा, मिलेगा नहीं, देर हो जाएगी, और हम करें तो क्या करें, ये उनका दर्द है। देखिए ऐसा है, जीएसटी तो एक फार्मूला है, पूरा देश ने मिलकर के निश्चय किया है और पूरे देश के सभी राज्यों के साथ बातचीत करके एक नीति अपनाई गई है और उस नीति के तहत देश चल रहा है, काम कर रहा है, उसी के तहत सबको अपना अपना शेयर मिलता है। अब ये कहना कि इसके वजह से नहीं हो रहा है, मैं समझता हूँ कि यह उतना उचित नहीं है। हाँ ये बात सही है कि आप ये कह सकते हैं कि यह जो संकट है, इस संकट में हमें मिल करके कैसे काम करना, पर राज्य को अपने एंटिटी को बना कर ये सुनिश्चित करना है कि हमारी जो राज्य की आवश्यकता है, राज्य की जो जरूरतें हैं, उसका बेहतर प्रबंधन हम कैसे कर सकें।
और प्रबंधन के दृष्टि से, जैसे मान लीजिए अब ये शहर से गांव के तरफ नहीं जाए, ये हम सबको मालूम है कि ये शहरी क्षेत्र में सबसे पहले फैली है। अब जैसे अगर यदि हम बात करें झारखंड की तो रांची में सबसे पहले आई, छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर में सबसे पहले आई। क्यों आई? क्योंकि वो शहरी क्षेत्र है, शहर के क्षेत्र से लोग यहाँ से वहाँ गए और उसमें से ये फैली। अब उसको हम कैसे ब्लॉक किया जाए, कैसे लॉक किया जाए, कैसे उसको ट्रैक किया जाए, कैसे हम सही ढंग से उसको क्वारंटाइन करें, यह तो मैनेजमेंट की चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें हैं, अभी तो उस स्थिति में नहीं पहुँचे हैं कि अभी हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। अभी तो आप इनिशियली कर रहे हैं, इस समय में इस तरह की बात को कह करके आप ये नहीं कहने की कोशिश करना चाहिए कि हम एकदम लाचार हैं। आप कहिए जनता के सामने कि हमें राज्य की जनता ने यदि विश्वास दिया है तो हम इस लड़ाई को जीतेंगे और उसके लिए पर्याप्त रूप से हम अपना काम कर रहे हैं और करेंगे। एक बार भारत मुंडा जी, एक मुंडा जी एक बयान और सुन लीजिए उनका, करके चलने की जरूरत है। मुख्यमंत्री को तो बोलना भी पड़ेगा, आपको सुनाना भी पड़ेगा क्योंकि आप भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं उसी राज्य के। जरा एक बयान और सुन लीजिए क्या कह रहे हैं मजदूरों को लाने पर। ये तो हमने अपने राज्य में व्यवस्थाएं प्रारंभ कर रखी है और जहां तक दूसरे राज्यों से लाने की बात है, हम अब हमारे पदाधिकारी रेल के कर्मचारियों के साथ, वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। जहां ट्रेनों की आवश्यकता पड़ रही है वहां जाएगी, जहां हवाजहाज की भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इस बात के लिए भी तैयार है कि वहां पर हवाजहाज भी भेजें। वो तो कह रहे हैं कि चाहे रेल हो चाहे हवाई जहाज हो चाहे जैसे लाना पड़े, हमारे पास पूरा संसाधन हम जुटा के लगाएंगे। वो तो अपनी बात कह रहे हैं, वो कहीं नहीं कह रहे हैं कि हम मजबूर हैं। मजबूर इसलिए हैं कि केंद्र सरकार जो कह रही थी, जो इस वक्त मदद चाहिए थी, वो नहीं मिल रही है। और आपको तो दबाव डालना चाहिए, आप तो उसी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके, कम से कम झारखंड ही सही, छत्तीसगढ़ वाले मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि साहब कुछ मिलता ही नहीं है। क्योंकि जो विरोधी हैं वो परेशान इसलिए हैं कि वो आवाज उठा सकते हैं, और जो आपके अपने हैं वो तो बेचारे कुछ कह भी नहीं सकते। समय नहीं है, कोई यदि राजनीति कर रहा है तो आप ये मान के चलिए कि अपने आप को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। ये राजनीति करने का समय है ही नहीं है। यदि डिजास्टर मैनेजमेंट के मामले पर हम राजनीति करने लगे तो हम कभी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए। मैंने स्वयं हमारे मंत्रालय से क्या हो सकता है, आप क्या चाहते हैं, मैंने वहाँ के हमारे मंत्रालय से संबंधित मंत्री से बात की, उसके सेक्रेटरी से बात की, चीफ सेक्रेटरी से बात की, मुख्यमंत्री से बात की। अब उनसे पूछिए, हमने उनसे भी बात किया। इसी तरीके से लगातार हम टच में रहते हैं। अच्छा, एक सवाल और पूछता हूँ जिसको आजकल बहुत चर्चा में है, आपकी सरकार ने इसका जो देखिए इसका सीधा मुंडा साहब इस बात मान रहा है कि हमें अपने कुछ प्रोटोकॉल को मानना जरूरी है। जी मुंडा साहब, एक सवाल जो बहुत जहन में सबके वो ये है कि मुख्यमंत्री तो चलिए अपनी बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का फैसला किया, विरोधियों ने सवाल उठाए, राहुल गांधी ने सवाल उठाए, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सवाल उठाए कि इन्होंने धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की है इस लड़ाई को भी। ये आरोप है उनके, मैं इस पर नहीं जाऊंगा कि वो क्यों लगा रहे हैं कैसे लगा रहे हैं। दूसरी बात, जब आप लॉकडाउन करते हैं 40-45 दिन तक लगातार जनता घर के अंदर में बंद है, फिर आप रेवेन्यू की चिंता में पूरे देश में राज्य सरकारों से कहते हैं कि आप रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन के आधार पर फैसला करिए कि शराब की दुकानें या लिकर शॉप्स आप खोल दीजिए। अब आप हालत देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान की तस्वीरें आ रही हैं। इससे ऐसा लगता है कि सबसे एसेंशियल चीज जो है वो शराब की दुकानें हैं। देखिए जहां जिस तरह के केसेस जिसकी संख्या है, राज्य सरकार अपने स्तर पर निर्णय लेकर के यह सुनिश्चित करे कि जो जिस तरह की स्थिति है वहां के आर्थिक गतिविधियां कैसे चले। अब ये लीकर की दुकान खुले या ना खुले ये राज्य सरकारों का विषय है। भारत सरकार ने एक जोन बना दिया है, उस जोन के आधार पर और जोन का मानक तय करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की जो पॉलिसी में है उसी के तहत किया गया है। तो अच्छा, मैं ऐसे पूछ लेता हूँ मुंडा साहब, मैं ऐसे पूछ लेता हूँ कि ये तस्वीरें आपको एक मंत्री के तौर पर नहीं, एक व्यक्ति के तौर पर
सिनेमा हॉल नहीं खुलना चाहिए। मुंडा साहब मेरी बात सुन लीजिए, मैं इस तरह से पूछ लेता हूं आपसे, ये तस्वीरें आपको डराती नहीं है? एक मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूर्व मुख्यमंत्री की बात भी नहीं कर रहा हूं मैं, एक केंद्र के मंत्री की बात नहीं कर रहा हूं। ये तस्वीरें जब हमने लॉकडाउन किया था, मंशा ये थी कि देश भर में एक संदेश जाएगा कि प्रधानमंत्री ने जो कहा वो मानेंगे, लेकिन आपने मैं खाने वालों की चिंता में सबको, जो आप देख रहे हैं कि कहां जाएंगे वो, अंतिम जो है कब्रगाह होगी या शमशान होगा, क्योंकि वो भी कोरोना फैलाएंगे, अपने घरों को ले जाएंगे कोरोना, सटकर खड़े हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, दुकानें खुल नहीं है, उसके पहले लाइन लग जा रही है, ये आपको तस्वीरें नहीं डराती है? या ऐसी दुकानों के मामले में राज्य सरकारों को फैसला करना होता है। भारत सरकार ने तो मानक तय कर दिया कि ग्रीन जोन होगा, रेड जोन होगा, येलो जोन होगा, उसमें कौन सा दुकान खुलेगी नहीं खुलेगी ये राज्य सरकारों को तय करना है, और राज्य सरकार अपने हिसाब से तय करके कर रहे हैं। अरे आपके आपकी सहयोगी, जैसे आप सांसद हैं वैसे साक्षी महाराज सांसद हैं, आप मंत्री बन गए हैं, उनको मंत्री बनने का मौका नहीं मिला है, वो कह रहे हैं कि शराब के दुकानें खोलने का फैसला गलत है, यूपी के सबसे बड़े राज्य से आते हैं, यूपी जैसे राज्य से आते हैं और साक्षी महाराज हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, वो कह रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि भाई आपका फैसला गलत है ये। देखिये वो तो राज्य सरकार का फैसला है, अब राज्य सरकार जिस तरीके से फैसला की है उसके बारे में राज्य सरकार से बात करना चाहिए। इससे कोरोना नहीं फैलेगा पूरे देश में? राज्य सरकार देखे, इससे पूरे देश में कोरोना नहीं फैलेगा? आपके जो पूरे एफर्ट्स हैं वो खराब नहीं होंगे? पूरे जो ताकत लगाई थी वो खराब नहीं होगी? कि आप कहना क्या चाहते हैं पहले ये बताइए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मुंडा साहब, देश भर में जो चिंता है कि मजदूर एक तरफ लॉकडाउन से परेशान है, वो धीरे धीरे आप लोग ला रहे हैं, विदेशों से लोगों को लाएंगे, लेकिन जब हमने क्वारंटाइन या आइसोलेशन की बात की, आपको कैसे काम करना चाहिए, बाकी चीजें राज्यों को ये ध्यान में रखना है कि वो किस तरीके से समुचित व्यवस्था करें, और इसकी चिंता करें कि राज्य के लोगों में इस तरह की स्थिति से कैसे लोगों को बचाया जा सके, ये ध्यान में रखना राज्यों का काम है। नीति निर्धारण करते हुए पूरे देश की चिंता करना देश के सरकार का काम है, और भारत सरकार नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया से हो रहा है। आपको झारखंड से बंगाल ले चलता हूँ। ममता बनर्जी कह रही है कि केंद्र सरकार हमारे काम में दखल दे रही है और हमको गलत तरीके से वो टारगेट कर रहे हैं कोरोना के मामले में, और हम जो कर रहे हैं वो करने नहीं दे रहे। उनको राज्य में कौन रोका है? राज्य में कोरोना के टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा हो, क्वारंटाइन ज्यादा से ज्यादा हो, लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, ये करने में किसने मना किया है? जो WHO ने प्रोटोकॉल किया है, इस बीमारी के वजह से जो गाइडलाइन जारी हुआ है उसको करने में किसने मना किया है? मुंडा साहब, छत्तीसगढ़ में जो मजदूरों की तादाद है, चाहे वो नक्सल बेल्ट हों, चाहे और भी इलाके हों जो ट्राइबल के इलाके आते हैं, तो वहां पर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वहां नक्सलियों से भी जूझना पड़ता है, और ऐसे में ये जब सेल्फ आइसोलेशन में रहना है, क्वारंटाइन में रहना है, या बड़ी चुनौतियां होती हैं, वहां पर तक राशन नहीं पहुंचाया जा सकता, तो वैसे हालात में आप कैसे राज्य सरकारों से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? मैं सिर्फ अनौपचारिक तौर से कुछ कुछ बातें करता हूं, बाकी राज्य सरकार कर रही है। हम यहां से ना कोई डिक्टेशन देते हैं, ना कोई डिक्टेट करते हैं, ना कोई गाइडलाइंस, जितने गाइडलाइंस होम मिनिस्ट्री देती है, हम सिर्फ थोड़ी बहुत सूचना ऐसे ही कि किस तरीके से काम चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में कई जिलों में जो मैंने सूचनाएं प्राप्त की, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इतना बढ़िया से ट्रैक कर रहे हैं, इतना बढ़िया से क्वारंटाइन को अनुपालन करा रहे हैं, और सामाजिक सहयोग इतना ज़्यादा प्रशासन को मिल रहा है। मैं इस बात के लिए निश्चित रूप से कहूँगा कि वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसर हैं वो बहुत इफिशियंटली काम कर रहे हैं, और मुझे इस बात की खुशी है। और पूरा देश को देखें, एक भी अभी तक कोई वहाँ पर एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई है, और जो भी वहाँ का आप देखें रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है, और जो भी केसेस आ रहे हैं उसको बहुत तरीके से क्वारंटाइन कर रहे हैं, और सोशल अवेयरनेस गांव में बहुत ज़्यादा है, आदिवासी गांव में अन्य राज्यों में भी बहुत अधिक जागृति है। और इस समय तो जो बाहर में रह रहे हैं उनको भी कह रहे हैं कि भाई आने के बाद वो पंचायत भवन में रहे, आने के बाद में वो स्वास्थ्य उपकेंद्र में रहे या बगल में रहे, वो कुछ दिन वहाँ रहे, रहने के बाद में ये देखे कि वो उसके साथ वायरस नहीं आया है, उसके बाद गाँव में घुसे। तो लोगों के बीच में जागृति बहुत है और उसका लाभ
छत्तीसगढ़ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से ले रहे हैं। मुंडा साहब, आपने हाल ही में एक ट्वीट करके कहा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत झारखंड को जो अनाज आवंटित किया गया है उसमें से केवल 17% लोगों को ही लाभ मिल पाया है और राज्य सरकार सिर्फ 22,612 टन अनाज ही बांट सकी है। तो अभी कुछ आपके बयान के बाद या आपकी बातचीत के बाद कुछ प्रोग्रेस हुई है या लगता है कि केवल वहां से बयान आ रहे हैं और काम नहीं हो रहा? सोचना नहीं था, हमने कहा था कि इसको तीव्रता से करना चाहिए। और इसके एक चीज मैंने कहा कि जो धान क्रय का जो कार्य है, धान जिसने बेच दिया है, राज्य सरकार के जो इकाई है धान क्रय कर चुके हैं, उनको भुगतान नहीं हुआ है, नए धान क्रय का काम शुरू नहीं हो रहा था, तो मैंने एक पत्र लिखा था और कहा था कि राज्य में बहुत सारे किसान इस समय अपना धान बेचना चाहते हैं और जो बेच चुके हैं उसको पैसा नहीं मिल रहा है, तो इमीडिएट वो सारी भुगतान की व्यवस्था की जाए ताकि किसानों को कठिनाई नहीं हो। और इसके साथ ही आप देखिए, मई का महीना है, अब मई के बाद जून के बाद तो किसान फिर से तैयार कर लेगा अगले फसल के लिए, तो अगले फसल के लिए मतलब धान का फसल के लिए, तो अभी से तैयारी अगर नहीं करेगा तो उनको बहुत कठिनाई होगी। इसलिए किसानों की चिंता करनी चाहिए और यह कार्य जो भी जिम्मेदार लोग हैं उसे इस कार्य के लिए और ज्यादा तत्परता से काम करें, इसके लिए मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। मुंडा साहब, ये बात एक ट्वीट आज किया है अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश से, वो कहते हैं कि आपने जो व्यवस्था की, आपकी केंद्र सरकार ने जो व्यवस्था की है कि विदेशों से भारतीयों को लाएंगे, चाहे वो समुद्री रास्ते से होगा या हवाई रास्ते से होगा, और उनको कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रोटोकॉल है, जो नॉर्म्स है, उसको फॉलो करेंगे। वो कह रहे हैं कि बड़ी बेसब्री से कुछ मजदूर हैं जो फंसे हुए देश भर में, वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कुछ नजरें आए, हम पर भी होती। देखिए, वो सारी चीजें हो रही है, अगर उन्हें दिख नहीं रहा है तो ये बात अलग है, ट्वीट करके अपनी औपचारिकता पूरा करना चाहते हैं कोई, तो उसमें तो किसी की बंदिश नहीं है, कोई मनाही नहीं है, वो अपना ओपन प्लेटफॉर्म में अपनी बातों को कह रहे हैं। लेकिन ये बात सबको, सभी राज्य सरकार भी लगे हुए हैं और केंद्र की सरकार भी कोऑर्डिनेट कर रही है। भारत सरकार ने सभी राज्यों से सुझाव लेकर के जो नोडल अफसर है उनकी सूची प्रकाशित कर दी है, सभी राज्यों के पदाधिकारियों की सूची प्रकाशित हो गई है, रेलवे विभाग के सभी डिवीजन के जो पदाधिकारी नोडल अफसर होंगे उसकी सूची जारी कर दी गई है, जो जिस रास्ते कैसे आ सकते हैं, कहाँ कार्य प्रारंभ हो सकता है, इसके बारे में सभी जिस स्थान पर काम प्रारंभ हो सकता है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वर्क हो, कोई भी प्रोजेक्ट्स हो, उन सारे कार्यों को कैसे प्रारंभ किया जाए, बशर्ते कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि रेड जोन में नहीं बल्कि ऑरेंज जोन में और ग्रीन जोन में ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए। ये सारी चीज़ें की जा चुकी है, अब उन्हें इन सारे चीज़ों से या तो अवगत नहीं है या तो अवगत होने के बावजूद भी वो इस तरह के चीज़ों को एक क्रिएट करके कोशिश कर रहे हैं अपनी बातों को राजनीतिक तरीके से कहने की, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह का भी माहौल है। देश के लोग ऐसी चीज़ों पर नहीं बल्कि ठोस चीज़ों पर बात करना चाहते हैं और ठोस रास्ता ढूंढ करके समाधान के रास्ते पर, क्योंकि एक बात तो ये समझ में आ गई कि ऐसे समय में पूरे देश को एक साथ चलना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देश को आगे ले चलने के लिए। मुंडा साहब, आपसे एक और सवाल पूछना है कि राहुल गांधी जो पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो आजकल इंटरव्यू कर रहे हैं और इंटरव्यू करके प्रधानमंत्री को, आपकी पार्टी को, केंद्र सरकार को सलाह दे रहे हैं। सलाह चाहे वो सीधे ना दें लेकिन उनके जरिए सलाह आप तक पहुंचाई जा रही है। अब मीडिया की भूमिका है, अब वो उनको आप पत्रकार कह लीजिए, पूर्व कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें आपकी सुविधा है, क्योंकि आप भी पॉलिटिकल सिस्टम से आते हैं। और हम कहेंगे, देखिए राजनीति इतनी भी सीधी नहीं है मुंडा साहब कि हम कहें कि राजनीति करने का वक्त नहीं है, क्योंकि चाहे शिवसेना का मुखपत्र सामना हो, चाहे हेमंत सोरेन साहब का बयान हो, चाहे अखिलेश यादव साहब का बयान हो, चाहे तेजस्वी यादव जी का बयान हो, तमाम जो बयान हैं वो ये कहते हैं कि समय समय पर राजनीति होगी और आप जो सत्ता में हैं उनको जगाने का काम विपक्ष करेगा, वो अपनी भूमिका निभाएगा। लेकिन इतने भी सरल हम नहीं हो सकते कि बहुत ही खराब स्तर के बयान आएंगे और फिर हम जवाब नहीं देंगे। तो आपकी सौम्यता की मैं तारीफ करता हूं लेकिन सख्त बयान की उम्मीद भी हम रखते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपकी पार्टी को, आपकी सरकार को समझ में क्यों नहीं आता, या उनको आप सीरियसली लेते नहीं है?
ऐसा है कि देखिए, भारत सरकार अपना काम कर रही है और हमें काम पर विश्वास है। देश की जनता ने हमारे काम को सराहा है और इस समय जो प्रयत्न हो रहा है उसके प्रति लोगों को विश्वास है कि हम निश्चित रूप से कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के जन सहयोग से इस लड़ाई को हम जीतेंगे। अब मैं कुछ लोगों को ऐसा सुझाव जरूर देना चाहूँगा कि आप यदि ये घटना भारत में सिर्फ होती तो मुझे ये समझ में आता कि उन वैसे लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन आप पूरे विश्व के मानचित्र को देखें कि कितने देश इस तरह से प्रभावित हो चुके हैं और बुरी तरह से इस तरह के स्थिति से लड़ रहे हैं। और एक तरीके से ये कहा जाए कि उनकी विवशता दुनिया के सामने दिख रही है, वैसे स्थिति में यदि ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारत को किस सतर्कता के साथ किस तरीके से बचाने की कोशिश हो रही है और किस तरीके से इससे निकलने की कोशिश हो रही है, क्या रिस्क मैनेजमेंट हो रहा है इस समय, ये यदि किसी को एहसास नहीं हो रहा है तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं इतना ही कहूँगा कि अब दुनिया के मानचित्र में भारत को देखें और दुनिया के मानचित्र को देखें, तब एहसास होगा कि भारत किस तरीके से इन सारे चीज़ों पर जनता के सहयोग से जीतने का इच्छा शक्ति लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मुंडा साहब, इस दौरान देश में बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, अच्छा भी पक्ष देखना चाहिए, और अक्सर चाहे पॉलिटिशियंस हों चाहे आम जनता हो, कई बार ये कहती कि मीडिया को बुरा ही बुरा दिखता है, लेकिन हमको अच्छा भी दिखता है। जैसे आपने कहा कि हमारे चश्मे से या हमारी आंखों से हमको अच्छाई भी दिखती है कि हिंदुस्तान की जनता ने डॉक्टरों पर, नर्सेस पर, सफाई कर्मचारियों पर फूल बरसाए, उनका स्वागत किया, उनको सल्यूट किया। हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान के तमाम वो लोग जो इस वक्त सरहदों की सीमा कर रहे हैं, अपनी शहादत भी दे रहे हैं, उनको भी जनता सल्यूट करती है। एक दौर हमने ये भी देखा कि तमाम बंदिशों के बावजूद सबने प्रधानमंत्री की अपील का पालन किया, चाहे वो ताली बजाने का मामला हो, थाली बजाने का मामला हो, दिया जलाने का मामला हो, मोमबत्ती जलाने का। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज क्या कहती हैं, आपके विरोधी क्या कहते हैं, इसकी चिंता हमको नहीं है, और ना जनता जो रिएक्शन देती है, वो जनता का रिएक्शन आपके सामने, सबके सामने जनता फैसला करेगी खुद। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तस्वीरें विभत्स भी आई हैं, पटियाला में एक एएसआई का जो अब प्रमोट होकर सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं, हरजीत सिंह का हाथ काट लिया जाता है, मुरादनगर में यूपी में डॉक्टर्स पर चापड़ यानी वो हथियार जिससे मीट काटा जाता है उससे हमला होता है, तलवार से हमला होता है, मध्य प्रदेश में भोपाल में पुलिस वालों पर चाकू से हमला होता है, इंदौर में डॉक्टरों पर पत्थरों से हमला होता है, उनको मारा जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तस्वीर ये भी आई थी कि एक बुजुर्ग हिंदू महिला की जब डेथ हुई, मौत हुई, तो वहां पर अंतिम संस्कार करने वाले हिंदू धर्म के लोग नहीं थे, क्योंकि उनके परिवार के लोग दूर थे, मुस्लिम धर्म के लोगों ने कंधा दिया और उनका अंतिम संस्कार किया। ये तस्वीरें बताती हैं कि हिंदुस्तान में अभी भी बहुत अच्छी व्यवस्था है और सामाजिक जो परंपराएं हैं उसको लोग निभाने के लिए तैयार हैं, तमाम मतभेद भूल के। लेकिन एक मौलाना सादवी हैं जो आपकी केंद्र सरकार की नाक के नीचे, दिल्ली सरकार की नाक के नीचे, दिल्ली की सुरक्षा एजेंसियों की और इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाक के नीचे वो यहाँ पर मरकज में लोगों को इकट्ठा करते हैं और पूरे देश में तबलीगी जमात के लोग इस तरह से कोरोना फैला देते हैं। फिर ऐसा लगा कि हिंदू मुस्लिम हो गया ये मामला। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस दौरान आपने, आपकी सरकार ने क्या सबक सीखे हैं कि साहब हिंदुस्तान तो एक रहेगा, ये सब चीज़ें जो है आती जाती रहेंगी। देखिए, कोई भी रिलीजन का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी धर्म को मानने वाला हो, ये बीमारी अगर होती है जान उसकी जाएगी और सबकी जान की कीमत है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। और इसलिए ये कोशिश हमारी भारत सरकार के भी, राज्य सरकारों के भी होनी चाहिए, और हम ये कर रहे हैं कि इसको हम कैसे रोक सकें, जागृति कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकें। और इस समय जो सबसे बड़ी ड्यूटी हम सब की है, यानी चाहे विपक्ष में हो या सत्ता में हो, वो अवेयरनेस फैले कि डॉक्टरों पर हमला नहीं हो, नर्सेस पर हमला नहीं हो, इस तरह की घटनाएं न घटे। और हम सब मिल करके जिस तरीके से उदाहरण दिया आपने कि कंधा देने वाले लोग हमारे मुस्लिम भाई थे, तो ये जो हमारी ताकत है देश की, इस ताकत को समझना चाहिए। जाने अनजाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये बाद की चीज़ें हैं, लेकिन लोग एक जगह जमा हुए, एक रिलीजन के लोग थे,
अब इस तरह की घटना घट गई, अब रोकने की जिम्मेदारी हमारी है, अब उसमें विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। हमें त्वरित और निष्पक्ष तरीके से यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हम उसे कैसे रोक सके और उसको कैसे ट्रैक कर सके। अब जाने अनजाने हुआ, जानबूझ करके हुआ क्या नहीं हुआ, इसके पीछे इस समय भागने की आवश्यकता नहीं है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि आगे ना बढ़े इस तरह की घटनाएं, इस तरह की चीजें और आगे ना हो, और हम ये सुनिश्चित कर सके कि हर किसी की जिंदगी की अपनी अहमियत है, क्योंकि जिंदगी एक बार के लिए है और सबका कीमती जीवन है, उनका परिवार है, उनके लोग हैं, सारे लोग हैं, तो उसके बारे में चिंता करते हुए हमें फैसला करना है। वही इस देश की सरकार नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चल रही है और कर रही है। मुंडा साहब, विरोधियों का ये कहना है कि आप लोगों ने जो आदमी जिम्मेदार है उसको तो पकड़ा नहीं, उसको पकड़ लेते और सजा दे देते या जो भी करना वो कर दीजिए, लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम बनाने वाला बयान जो है आपकी पार्टी और सहयोगी संगठनों से ही आए। लेकिन उनका आरोप यह है कि जो शख्स जिम्मेदार है वो आपकी पहुंच से दूर है और उसको आपने पूरा मौका दे दिया कि वो तमाम इस तरह के जितनी बीमारियों की जो संक्रमण की वो है, COVID-19 का जो शिकार है, पॉजिटिव लोग हैं, वो पूरे में फैल गए। आप उनको बंद करते, उठाते, आइसोलेशन में डालते, क्वारंटाइन करते, लेकिन ये करने की बजाय आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। तो सवाल ये है कि जिम्मेदार कौन है? दिल्ली सरकार कहती है हम जिम्मेदार नहीं है क्योंकि पुलिस सेंट्रल के पास है। तो जब केजरीवाल साहब जिम्मेदार नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है तो जिम्मेदार कौन है? मर तो आम आदमी रहे, क्योंकि कोरोना के जो तबलीगी जमात है वो मरकज वाले लोगों को मरघट पहुंचा रहे हैं, लोगों को शमशान पहुंचा रहे हैं। कानूनी कार्रवाई जो करना है, जो होना है, वो बाद की चीजें हैं, वो एक सिस्टम है जो अपना काम करेगा, उस पर हमें अभी इस समय कुछ नहीं कहना। अभी हमें यह कहना है कि जान कैसे बचाई जाए, हमें इस समय यह कहना है कि हिंदुस्तान को सुरक्षित कैसे किया जाए, हिंदुस्तान के नागरिक सुरक्षित होंगे, हिंदुस्तान सुरक्षित होगा, इस कोरोना वायरस पर हम विजयी होंगे, देश विजय होगा। मुंडा साहब, लेकिन वो तस्वीरें भी तो देखी होंगी, जब आखिरी सवाल है मेरा, जब DTC की बसों में भरकर मजदूरों को छोड़ा गया था दिल्ली में, गाजियाबाद और जो दिल्ली की बॉर्डर है, यूपी की बॉर्डर है, वहां छोड़ दिया गया, हजारों की तादाद में मजदूर आनंद विहार बस अड्डे पर और रेलवे स्टेशन पर नजर आए। उसके बाद फिर राज्य सरकार ने अपनी बसें लगाई, कुछ लोग मजदूर बिहार के थे, कुछ झारखंड के थे, कुछ यूपी के थे, कुछ MP के थे, जगह जगह के लोग थे। ये तस्वीरें परेशान करती थी सबको कि आखिर ऐसा क्या कर दिया भाई, क्यों ऐसा कर दिया, कुछ दिन और रुक जाते, कुछ दिन और थोड़ा इंतजार कर लेते, लेकिन बसों में भर भर के भेजा गया। तो आरोप ये लगे कि केजरीवाल सरकार ने जानबूझकर लोगों को यहां से दूसरे राज्य में भेज दिया। जिस तरीके से देश इस समय विषमकालीन परिस्थिति में चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, उससे कुछ लोगों को परेशानी, आप देखे होंगे बॉम्बे में कुछ लोगों को उकसा करके एक जगह इकट्ठा कर दिया, अब उसका कोई मतलब नहीं था, अब बॉम्बे की सरकार भी परेशान हो गई, देश के लिए भी एक ये हो गया कि इस तरह की घटना कैसे, उसी तरीके से दिल्ली में भी हुई, तो दिल्ली में भी कुछ लोगों ने मिलकर के इस तरह का ये फैला दिया था जिससे लोग एकत्रित हो गए, पर बाद में प्रशासन ने बहुत तरीके से उन सारे चीजों को ठीक किया और मैनेज किया, ये अच्छी बात हुई। लेकिन अब उन सारे विषयों को और ना बढ़ाएं, ना होने दें, इसकी चिंता ज्यादा हमको करना चाहिए और उस चिंता के आधार पर काम हमारा अच्छे ढंग से हो, यही प्रयास हम सबका होना चाहिए और उस कार्य के लिए भारत सरकार तत्परता के साथ काम कर रही है। और मैं समझता हूं कि इस समय दुनिया के सामने भारत ने अपने संयमशीलता का परिचय दिया है, जनता ने भी और व्यवस्था ने भी, तमाम आक्रमण, तमाम तरह के अटैक होने के बावजूद भी हमारे वॉरियर्स जो है, हमारे जो इस समय लड़ने वाले जो ताकत है, फोर्स है, चिकित्सक है, सारे लोग मिलकर के इस बीमारी से लड़ रहे हैं, जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, किसी की जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और दुर्भाग्य इस बात का है कि कुछ लोग अपनी जान देने के लिए भी लड़ रहे हैं कि अब हमें कोई ना बचाए, हम ऐसे ही रहें, तो इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए, देश को बचाना है, देश की जनता। मुंडा साहब, हम ये कह रहे हैं कि ये किसी धर्म के खिलाफ युद्ध नहीं है, हिंदुस्तान का धर्म युद्ध है कोरोना के खिलाफ, तो धर्म वाले समझ जाएं कि आपके खिलाफ लड़ाई नहीं है, हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। बस यही जागरूकता, मैं समझता हूं कि इसमें प्रमुख भूमिका विपक्ष की है कि वो ये समझाने में कामयाब हो जाए,
कि देश को इस समय राजनीति की जरूरत नहीं है, सुरक्षा की जरूरत है, हर किसी के जीवन को जिंदगी को हिफाजत करने की जरूरत है। मुंडा साहब आप की जरूरत है, मुंडा साहब आप बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं और आपका जो अनुभव है वो खेल के साथ साथ एक एडमिनिस्ट्रेटर का भी है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं आप झारखंड के, आप केंद्र में मंत्री, तीन तीन बार मुख्यमंत्री रहे, जो आप तीरंदाजी फेडरेशन के भी अध्यक्ष हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब खिलाड़ियों को हीरो मानते हैं हम ना, कि ये जमीन से निकल कर आए हैं, फिल्मों में भी हीरो होते थे, लेकिन आज हमने नए किस्म के हीरो देखे हैं, जो सेना के लोग सरहद पर जान दे रहे हैं इस दौरान भी, जो शहीद हो रहे हैं इस दौरान भी, जो डॉक्टर्स हैं, जो सफाई वाले हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, जिन्होंने दो वक्त आपको रोटी, तीन वक्त की रोटी का इंतजाम किया, घर में बंद रहिए लेकिन खाना खा लीजिए, वो किसान नहीं होता तो हम घर पे मर जाते, भूख से मर जाते, कोरोना से नहीं मरते। तो आज हमने नए हीरो देखे हैं, किसान भी, जवान भी, डॉक्टर्स जो है नए भगवान बने, जिन सरकारी अस्पतालों में लोग जाना पसंद नहीं करते, आज वही भगवान के घर के बाद दूसरा मंदिर बना हुआ कि वहां जान बचकर लोगों की आ रही है। सरकारी बड़े बड़े अस्पतालों की अगर मैं बात करूं, सरकारी अस्पताल छोड़ दूं, फाइव स्टार अस्पताल जहां पे बड़े होटल की तरह इंतजाम थे, वो सब भाग खड़े हुए हैं, बंद हो गए। बहुत लोग हैं जो इन्होंने अपने अस्पताल सरकार को सौंप दिए, उनकी मैं तारीफ करता हूं, लेकिन ऐसे भी हैं जो इस महामारी के संकट में निकल लिए, भाग गए वो। तो आप क्या कहेंगे, आपने भी नए हीरो देखे उभरते हुए इस बार? देखिए, जैसे इस समय मैंने शुरू में कहा कि एक अवेयरनेस लेवल हमारा इस तरह का होना चाहिए कि ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल कैपेसिटी पे क्या करना चाहिए, और जो इस बात को सोचे उन लोगों ने अपने आप को जोड़ने का काम किया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग इसमें भी भागने का रास्ता ढूंढते हैं, पर मैं ये कहूँगा कि एक तीरंदाज को जिस तरीके से विजय प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करके तीर चलाना होता है, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के नाते मैं यही कहूँगा कि जिस तरीके से एक तीरंदाज सिर्फ टारगेट को देखता है, इस समय हमें कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए टारगेट ओरिएंटेड काम करना चाहिए, हर एडमिनिस्ट्रेशन को यह ध्यान में। एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से हम ये कहेंगे कि निचले स्तर पर काम करने वाले पदाधिकारी पूरे आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, पूरा बोनाफाइड इंटेंशंस के साथ कैसे काम कर रहे हैं, उसको इनकरेज करें और उसको हम आगे बढ़ाएं। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जो सड़कों में काम कर रहे हैं, जो सफाई का काम कर रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण दायित्व निभा रहे हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्रों में हो या महानगरों में हो या नगरों में हो, बहुत बड़ा भूमिका निभा रहे हैं। तो वैसे लोगों को इनकरेज करना चाहिए। जो 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 लैब में काम करने वाले टेक्नीशियन है, जो COVID-19 का टेस्ट करते हैं, उनको वायरस पकड़ने का ज्यादा खतरा रहता है, लेकिन वो रिस्क लेकर के काम कर रहे हैं, उसको इनकरेज करने की जरूरत है, क्योंकि वो टारगेट के साथ काम कर रहा है कि किसी की जान की सुरक्षा होनी चाहिए, जिंदगी की सुरक्षा होनी चाहिए। तो मुंडा साहब, आपको लगता है कि हमने नए हीरो खोज लिए हैं और अब सरकारों की प्राथमिकताएं भी बदलेंगी, क्योंकि हमने सरकारी हेल्थ सिस्टम को मजबूत नहीं कर पाए हैं, चाहे आपकी सरकारें रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हो या विपक्ष की सरकारें रही हो, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज अलग थी। एजुकेशन सिस्टम हमारा आज हमको देखिए नए लेवल पर जाना पड़ेगा, आज हमको ऑनलाइन क्लासेस देनी पड़ रही हैं, बच्चों को हम उससे जोड़ रहे हैं, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों या कॉलेज के। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार की प्राथमिकताएं बदलने वाली हैं, क्योंकि हमको कोविड ने कुछ नए सबक भी सिखाए? देखिए, ये एक तरीके से इस समय चुनौतीपूर्ण है, हमारे लिए थ्रेट है, हमारे लिए चैलेंजेस है, लेकिन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी लेके आने वाला है। अपॉर्चुनिटी इस दृष्टि से लेके आने वाला है कि हम अपने आप को सावधान होकर के खुद को तैयार कर लें, हमारी जो कमियां हैं उसको हम ठीक करें, हमारे जो भी गैप्स है उसको एनालिसिस करने का हमें अच्छा मौका मिला है, और सब मिलकर के इसे हम कर सकते हैं, यह आत्मविश्वास पैदा करने की आवश्यकता है। उन इंफ्रास्ट्रक्चर को सही तरीके से, इफिशियंसी को सही तरीके से हम विजुलाइज कर सके, उसको सामने ला सके और वैसे क्रिएट कर सके, ये एटमॉस्फेयर बनाने के लिए ये हमें अच्छा मौका मिला है। इस दृष्टि से कि ये कोरोना वायरस दुनिया को चिंतित किया है, भारत ने अपनी चिंता को बहुत अच्छे ढंग से देशवासियों के साथ शेयर किया है, भारत सरकार ने देशवासी को जगाने में सफलता अर्जित की है,
अभी देखिए थोड़ी बहुत इस तरह की घटनाएं बड़े राष्ट्र और बड़ी संख्या होने के कारण हो सकती है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि 90% लोग इस समय जागरूकता के साथ काम करना चाहते हैं, सतर्क रहना चाहते हैं और कई चीजें बदलेगी इस समय, हमारे कई चीजें बदलेगी, काम करने के तौर तरीके बदलेंगे, इफिशियंसी ज्यादा होगी और हम समय का उपयोग, समय का प्रबंधन कैसे हम बेहतर तरीके से कर सके, लोग अपने आप में इस बात को प्लानिंग करेंगे, ठोस कार्य योजना बनाएंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का पता है कि अब हमारे सामने जो चुनौती आया है, ये चुनौती को हमें अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हुए सफल करना है। तो मुंडा साहब बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सरकार जो टारगेट कर रही है कि किस तरह से कोरोना को खत्म किया जाए, और आपकी सरकार का जो तीर है वो निशाने पर लगेगा, डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट जो काम कर रहे हैं, पूरी मशीनरी जो काम कर रही है, हम सब मिलकर इस कोरोना को निशाने पर तीर लगाकर हमेशा के लिए खत्म करें, और हिंदुस्तान के जरिए एक संदेश जाए पूरी दुनिया में कि हम कामयाब हुए हैं और कामयाबी का रास्ता हिंदुस्तान से होकर निकलता है। बहुत शुक्रिया आपसे बेबाकी से बातचीत करने के लिए, मुझे मौका मिला और आपने कई सवालों के खुलकर जवाब दिए, कई जगह आप केंद्र में मंत्री भी हैं, तो आपकी एक लक्ष्मण रेखा मर्यादा है, लेकिन मेरे पास कई बार लक्ष्मण रेखा लांघने का मौका होता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जैसे राजनेता होने चाहिए जो खुलकर बात रखते हैं और दिल से कहते हैं। बहुत शुक्रिया मुंडा साहब, बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री जो जनजातीय मामलों का प्रभार संभाले हुए हैं अर्जुन मुंडा को, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे कि आखिर किस तरह की स्ट्रेटेजी इस वक्त देश में है, और राजनीतिक हालात पर उनकी टिप्पणियां आपने सुनी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। फिल्म